नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट मीन्स SQL। अब SQL में हमें आज क्या बताना है? SQL में हमें बताना है क्वेरी। हाउ कैन वी टेक क्वेरी प्रोसेसिंग, यानी क्वेरी कैसे लेंगे SQL में, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो देखिए कैसे हम क्वेरी लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो देखिए प्लीज सी। तो क्या है SQL? क्वेरी प्रोसेसिंग आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस। The table is created and the data is stored in it. Now it is time to perform query processing on the already created tables to retrieve and view the data on a screen. Retrieval information from the tables is done mainly using the select command. Select command use करके हम query लेते हैं। The SQL select command is used to fetch data from one or more database tables. It is used to select rows and columns from a database or relation or table. तो ये है concept कि क्या है, table select command use करते हैं, उससे हम query लेते हैं। Query के लिए हमें select command use करना पड़ेगा। कोई भी query लेना है उसके लिए हमें select command use करना पड़ेगा। तो क्या सेलेक्ट कमांड क्या होती है? दिस कमांड कैन परफॉर्म सिलेक्शन एज वेल एज प्रोजेक्शन। इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज SQL कमांड। द सेलेक्ट कमांड कैन बी यूज टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन आर मोर टेबल्स प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। अब सिलेक्शन क्या है? दिस कैपेबिलिटी ऑफ SQL रिटर्न द टपल्स फ्रॉम अ टेबल विद ऑल एट्रीब्यूट्स। सेलेक्ट कॉलम नेम वन कॉमा कॉलम नेम टू एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ENO कॉमा ENAME फ्रॉम एम्प्लॉय से क्या होगा? ई नंबर और ई नेम एम्प्लॉय टेबल से प्रिंट हो जाएगा पूरा, और जो जो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है वो कॉलम नेम देंगे, और जिस सीक्वेंस में देंगे उस सीक्वेंस में प्रिंट होंगे। अगर हम कंडीशन दे देंगे तो कंडीशन के हिसाब से प्रिंट होंगे, अगर कंडीशन नहीं देते हैं तो पूरे वो कॉलम, जितने भी कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे उसके पूरे रोज प्रिंट होंगे। तो अब प्रोजेक्शन क्या है? This is the capability of SQL to return only specific attribute from table. Use the where clause is required when specific tuples are to be fetched or manipulated. To select all the columns from table, the asterisk can be used. अगर पूरे कॉलम एक साथ सेलेक्ट करना है तो सबका नाम देने के बजाय एक asterisk दे देंगे तो पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय से क्या होगा? सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, सारे के सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ सेलेक्ट कमांड, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेलेक्ट कमांड आर एज फॉलोज। सेलेक्ट कमांड डिस्प्ले द कॉलम्स ऑफ द टेबल इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम द टेबल। जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट करते हैं उसी में सीक्वेंस में प्रिंट होते हैं, चाहे वहां पर टेबल में किसी भी सीक्वेंस में हो। इन ऑर्डर टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन द कॉलम लिस्ट फ्रॉम अ टेबल यूजिंग सेलेक्ट कमांड विद एस्टिक यूज इन कॉलम्स आर डिस्प्लेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्टोर्ड इन द टेबल। आप देखिए यूजिंग हुयर क्लास कैसे क्या है? When a where clause is used with the select command, the SQL query processor goes through the entire table one row or record at a time.
and checks each row to determine whether the condition specified is true with respect to that row or not. If it evaluates the true, the corresponding row is selected or retrieved and displayed, else it returns an empty set. अगर कुछ नहीं मैच करेगा तो empty set यानी कुछ नहीं प्रिंट होगा. For example, select asterisk from employee where ENO is less than or equal to 105. तो इस condition पे जो मैच करेगा उस वो सारे columns प्रिंट हो जाएंगे, उस column का डेटा, सारे column का डेटा प्रिंट हो जाएगा. अब reordering columns while displaying query, while displaying the result for a query, the order of the columns to be displayed can be changed according to the user's requirement, but this is done only for the display purpose and no actual rearrangement of the column is done. केवल प्रिंट होगा कॉलम सीक्वेंस, लेकिन जो जिस सीक्वेंस में हमारा डेटा टेबल में स्टोर है उसमें वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डिस्प्ले होगा जो ऑर्डर हम प्रिंट करना चाहते हैं. तो क्या है, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम ई नंबर ई एन ओ डेट ऑफ बर्थ डी ओ बी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो क्या होगा, पहला कॉलम ई नेम होगा, सेकंड ई नंबर होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर सैलरी होगी. इस सीक्वेंस में प्रिंट होगा एम्प्लॉय टेबल का, चाहे वहां जिस सीक्वेंस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां कोई चेंज नहीं आएगा. Eliminating duplicate or redundant data. Distinct clause is used to remove duplicate rows from the result of a select command. It is used to retrieve only unique values for a column in a table. The distinct keyword can be used only once with a given select command. This is syntax. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम कोई भी दे सकते हैं, कॉमा और भी कॉलम दे सकते हैं, फ्रॉम टेबल्स नेम और कंडीशन भी दे सकते हैं. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, जेंडर मान लिया मेल फीमेल कई हैं तो एक ही प्रिंट होगा, मेल और एक फीमेल, बस दो रो प्रिंट होंगी. SQL operators, while working with select command using while clause, condition based query can be carried out using four types of SQL operators. कौन कौन से, arithmetic operators, relational operators, logical operators and special operators. तो अब देखिए arithmetic operators क्या हैं? Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations like addition plus, subtraction minus, multiplication asterisk, division slash and modulus percent. These operators are used with conditional expression and for performing simple mathematical calculations. The arithmetic operators with select command are used to retrieve rows computed with or without reference to any table. Table के साथ या without table भी दे सकते हैं. जैसे हमने यहां कहा select 5x3 from dual, तो क्या होगा, 5x3 का आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा. Dual is a default table in MySQL. It is one row, one column dummy table. ये अपने आप से रहती है, तो जब कुछ ना टेबल देनी हो तो कोई कैलकुलेशन करना हो तो हम दे सकते हैं ऐसा. दूसरा क्या है, इवेलुएटिंग स्केलर एक्सप्रेशन विद सेलेक्ट. MySQL परमिट्स कैलकुलेशंस ऑन द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम्स एंड देन डिस्प्लेज द कैलकुलेटेड रिजल्ट यूजिंग सेलेक्ट कमांड. जैसे हमने कहा सेलेक्ट ENO कॉमा ENAME कॉमा सैलरी प्लस 500 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, जितनी सैलरी दी हुई है सब में 500 ऐड होके आंसर आएगा, ENO आएगा, नेम आएगा और जितनी सैलरी दी है उसमें 500 ऐड हो जाएगा, तब डिस्प्ले होगा एम्प्लॉय टेबल का. तो हर सैलरी में 500 ऐड होकर डिस्प्ले होगा. अब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर रिलेशनल आर कंपैरिजन इज अ मैथमेटिकल सिंबल
which is used to compare two values. It is used to compare two values of the same or computable data types. The relational operators equal to, equal के लिए होता है, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal, don't equal दो होते हैं, less than एक, more than एक साथ, या not equal, are used to compare two values with select command. For example, select ENO, ENAME from employee where salary is less than or equal to 70,000. तो रिलेशन ऑपरेटर लग गया, कंपेयर हो गए. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? द एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज बुलियन ऑपरेटर्स. द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर एंड और एंड नॉट. तीन होते हैं, एंड और आर के लिए कम से कम दो कंडीशन चाहिए जिनको कंपेयर करते हैं आपस में, दो ज्वाइन करते हैं. नॉट में एक कंडीशन होती है जिसको वो रिवर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है. तो देखिए तीनों के लिए मैंने एग्जांपल दिया है. सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय हुयर जेंडर इक्वल एम एंड सैलरी इज मोर देन इक्वल टू 50,000. तो क्या होगा, जिसका जेंडर एम हो और सैलरी मोर देन इक्वल टू 50,000 है, वो पूरे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे. दूसरा क्या है, यानी एंड लगा तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी होगा, एंड में दोनों ट्रू होंगी तभी जो होगा, अगर एक भी फाल्स होगा ही तो फाल्स हो जाएगा. अब सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय हुयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 50,000 और सैलरी इज मोर देन इक्वल टू 75,000. तो इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों फाल्स होगी तभी फाल्स होगा. तो चाहे 50 लेस देन इक्वल 50 होगा वो भी डिस्प्ले होगा जाएगा, और मोर देन इक्वल टू 75 होगा वो भी डेटा डिस्प्ले होगा, दोनों कंडीशन. अगला है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय हुयर नॉट जेंडर इक्वल टू एम. यानी जेंडर एम हमने चेक किया है, नॉट लगा दिया तो उल्टा हो गया. अगर जिसका जेंडर एम नहीं है वो डेटा डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ जो चेक करें एम, तो जिसका डेटा जेंडर एम नहीं है वो डिस्प्ले होगा. यानी जो कंडीशन दी रहती है वो कंडीशन उलट जाती है इसमें हमारे नॉट में. एंड और आर में दो कंडीशन कम से कम होती हैं, दोनों के एंड में दोनों ट्रू होंगी तब ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा. आर में कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा. एंड में आर में अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने आपको बताया एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेसिंग, उसमें हमने सेलेक्ट कमांड की चर्चा की, उसमें बताया सिलेक्शन प्रोजेक्शन, फिर बताया फीचर्स ऑफ सेलेक्ट कमांड, उसके बाद हाउ कैन वी यूज हुयर क्लास, फिर रीऑर्डरिंग कैसे हम कॉलम को रीऑर्डर कर सकते हैं, फिर इलिमिनेटिंग डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा, फिर एसक्यूएल ऑपरेटर्स. एसक्यूएल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर बताए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा. अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं. आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत ही करें, देर ना करें. और जब सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें. इससे क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है. उसको क्या करना है, आपको देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और तुरंत ही जितने जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, सर जो भी हैं जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर कर दें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें. और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके एक सीक्वेंस में देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, एसक्यूएल के कमांड्स की, यानी क्वेरी की, और क्वेरी की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.